दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एक और नई प्रेस अपडेट के साथ। राजस्थान भर्ती न्यूज़ की वो लेटेस्ट अपडेट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज वो 10वीं पास बेरोजगार अभ्यर्थियों के लिए आज आई बहुत ही बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दी बेरोजगारों को बड़ी खुशखबरी। 1205 पदों पर निकली नई भर्ती, 10वीं पास अभ्यर्थी इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन वो कर सकते हैं। इस भर्ती का ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन बताया जाएगा। इसी के साथ इसके अंदर ऑनलाइन आवेदन वो कब से वो शुरू होने वाले हैं, तो क्या क्वालिफिकेशन इसके अंदर वो 10वीं पास पर रखी गई है, इसका एग्ज़ाम वो पैटर्न वो किस प्रकार से होगा, इन सब की जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। वीडियो को आखिर तक पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए, ताकि आपको जितने भी नई भर्ती आती है उन सब की जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दी जाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो भर्ती है उसके बारे में। ये देखिए वो दोस्तों 48 तो न्यायालयों में 550 पद तो निकाले गए, तो यानी कि 550 पद अलग है और इसी के साथ 600 पद अलग है और तो 105 अलग अलग। इसके अंदर आपको बता दूं कि 48 तो नए न्यायालयों में 550 पदों पर तो भर्ती की जाएगी और इसी के साथ तो 300 पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्रों को मंजूरी दी गई, जिसमें पशुधन सहायक एवं जलदारी के 600 पदों पर भर्ती हो की जाएगी। यानी कि 550 और 600 कितने हो गए आपके, तो 1150 के अलावा। तो यहाँ देखिए वो 7 तो नए चिकित्साओं महाविद्यालय में प्रोफेसर और चिकित्सक के 105 पदों पर, यानी कि वो टोटल तो पदों की बात वो करें तो आपके 1250 से अधिक पद, यानी कि वो 10वीं इसके अंदर आप देख लीजिए वो 10वीं पास के लिए कितने पद है इसके अंदर, तो 550 पदों पर यहाँ पर देखिए, जिसके अंदर तो वो ग्रुप DLDC हो गए तो इसके अंदर हो गए, और इसी के साथ तो यहाँ पर देखिए 600 पदों पर तो पशु सहायक और वो जलदारी तो विभाग के अंदर तो भर्ती होगी, और इसके अलावा तो यहाँ पर देखिए 7 तो नए वो चिकित्सा महाविद्यालयों में तो प्रोफेसर और वो चिकित्सकों के 105 पदों पर भर्ती होगी। टोटल तो ओवरलोड भर्ती की बात करें तो 1255 पदों पर भर्ती होगी। इसके अंदर वो 10वीं पास 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं, यानी कि तो न्यूनतम वो क्वालिफिकेशन आपके पास वो 10वीं पास होनी चाहिए, और इसके साथ तो अलग अलग पदों पर कुछ के अंदर वो 10वीं पास के और इसके अलावा तो 12वीं पास के भी है, और इसके अलावा तो PG वो डिप्लोमा वालों की पोस्ट है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अब दोस्तों अभी इसका ऑफिशियल तो नोटिफिकेशन तो आएगा अभी सिर्फ, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन सभी तो पदों पर वित्त विभाग को मंजूरी वो दे दी। अब आपके ये इस पदों पर कभी भी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो सकते हैं। अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।